सोलन में दीपावली की रात एक बड़ी आगजनी की घटना होने से बच गई, जब एक आतिशबाजी शोरूम की बालकनी में जा गिरी। देखते ही देखते बालकनी में पड़े सामान में आग लगने लगी। सड़क पर चलते हुए लोगों ने जैसे ही आग की लपटों को देखा तो तुरंत उसकी सूचना पुलिस अग्निशमन विभाग को दी। अग्निशमन विभाग की टीम ने तुरंत कार्यवाही करते हुए मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। विभाग की मुस्तैदी से किसी भी तरीके का नुकसान नहीं हुआ है। हालांकि अगर अग्निशमन के कर्मचारी मौके पर पहुंचने में थोड़ी देर करते तो आग विकराल रूप धारण कर सकती थी। व्यापार मंडल सोलन के अध्यक्ष मुकेश गुप्ता ने अग्निशमन व पुलिस विभाग का आभार व्यक्त किया और कहा कि दोनों विभागों की मुस्तैदी की वजह से एक बड़ी दुर्घटना होने से बच गई। उन्होंने सभी दुकानदारों से अपील करते हुए कहा कि वो दुकानों के बाहर अपने संपर्क नंबर बाहर अवश्य लिखवाएं ताकि किसी भी अप्रिय घटना के समय उनसे संपर्क किया जा सके। माल रोड पे एक हमारे व्यापारी भाई की दुकान पर बाहर आग लग गई है, लेकिन हमारे फायर के जो अधिकारी हैं वो इतने मुस्तैद थे कि मेरे ख्याल से फ़ोन करने के अंदर 5 मिनट के अंदर ही फायर की गाड़ी यहाँ पर पहुँच गई और जो इसकी आग की लपटों का है उसको कंट्रोल कर लिया गया और करोड़ों रुपए का जो नुकसान था उसको हमारे फायर कर्मियों ने बचा लिया। कि जब हम लोग अपने परिवारों के साथ दिवाली मना रहे थे तो वो हमारे जान माल की रक्षा करने के लिए सड़कों पर थे। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमारे व्यापारी भाई का नुकसान को बचा लिया। और मैं अपने व्यापारी भाइयों को एक और संदेश यहाँ से देना चाहता हूँ कि अपने संस्थान के बाहर बोर्डों के ऊपर में अपने फ़ोन नंबर जरूर लिखवाएं ताकि अगर ऐसी कोई घटना हो जाए तो लोग आपका फ़ोन नंबर पढ़कर आपको फ़ोन कर सके और आपसे संपर्क कर सके। कल रात मेरी दुकान के बाहर जो आग लग गई थी, मुझे लगता है कि ये हवाई के कारण हुआ। मैं बड़ा धन्यवादी हूँ अपने दोस्तों का जिन्होंने फायर डिपार्टमेंट पुलिस डिपार्टमेंट को इसकी सूचना दी, और मैं धन्यवादी हूँ फायर डिपार्टमेंट के अधिकारियों का और पुलिस डिपार्टमेंट के अधिकारियों का जो तुरंत मौके पर पहुंचे और उन्होंने इस घटना को संभाल लिया और हमारा बचाव हो गया। जतिन साहनी ने कहा कि अग्निशमन व पुलिस विभाग की मुस्तैदी की वजह से उनके शोरूम का नुकसान होने से बच गया। उन्होंने कहा कि आग शायद आतिशबाजी की वजह से लगी होगी। सोलन से अमरप्रीत पुंज। You are watching News India Live TV. Subscribe our channel for latest news and updates. And don't forget to press bell icon for latest notifications.